दोस्तों, भारत और चीन ये दोनों देश विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ विश्व के ऐसे देश भी हैं जो समूचे विश्व पर अपना अच्छा खासा प्रभाव छोड़ते हैं। यही वजह है कि ये दोनों देश एक दूसरे से मतभेद रखते हुए भी एक दूसरे के साथ चलने की भरपूर कोशिश करते हैं और एक दूसरे के बाजारों का भरपूर फायदा भी उठाते हैं। इसके अलावा भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मनों को भरपूर सहयोग भी करते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है और इनके रिश्ते खराब होने लगते हैं। कभी कभी तो हालात इतने खराब होने लगते हैं जैसे युद्ध होने ही वाली हो। ऐसे में सवाल आता है कि हम साल 2020 में चीन के मिलिट्री पावर के सामने कहाँ टिकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और चीन के मिलिट्री पावर के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको कई ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम भारत और चीन के जनसंख्या के बारे में जानते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी देश की सेना की संख्या उस देश के पॉपुलेशन पर भी काफी निर्भर करता है। दोस्तों, अगर हम चीन के पॉपुलेशन की बात करें तो चीन की जनसंख्या साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार 144 करोड़ की है, जबकि भारत की जनसंख्या 133 करोड़ की है। दोस्तों, भारत और चीन दुनिया पर क्या प्रभाव डालते हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और चीन की जनसंख्या दुनिया के कुल जनसंख्या के 37% है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन की बात करें तो चीन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, तो वहीं भारत क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। दोस्तों, अगर हम दोनों देशों के डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट 60 बिलियन यूएस डॉलर का है, तो वहीं चीन का डिफेंस बजट 177 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो भारत के डिफेंस बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो भारत दुनिया भर के 137 देशों की सूची में चौथे नंबर पर आता है, तो वहीं चीन 137 देशों की सूची में तीसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि चीन दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है, तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका तो दूसरे स्थान पर रूस आता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक हथियार के बारे में। वो हथियार है परमाणु हथियार। इन हथियारों को सबसे शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि इस हथियार से अमेरिका भी डरता है, और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आज के जमाने में एक भी परमाणु हथियार किसी देश पे गिरा तो दुनिया का खत्म होना तय है। खैर, हम बात कर रहे थे चीन और भारत के परमाणु हथियारों के बारे में कि आखिर चीन और भारत के पास कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर पहले हम अपनी बात करें तो हमारे पास 110 से 120 तक परमाणु हथियार मौजूद है, तो वहीं चीन के पास 400 तक परमाणु हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम और यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं, जिससे भारत और भी इतने ही परमाणु हथियार बना सकता है। मगर भारत अपनी परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल मानव सभ्यता के भलाई के लिए करना चाहता है, ना कि मानव सभ्यता को मिटाने वाली हथियारों को बनाकर। दोस्तों, अब हम जानते हैं भारत और चीन के मिलिट्री पर्सनल के बारे में। चीन के पास 27 लाख एक्टिव और रिजर्व पर्सनल है, तो वहीं भारत के पास 34 लाख एक्टिव और रिजर्व पर्सनल है। अगर हम भारत और चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास छोटे बड़े सभी फाइटर एयरक्राफ्ट इंटरसेप्टर मिलाकर 520 है, तो वहीं चीन के पास फाइटर एयरक्राफ्ट इंटरसेप्टर 1222 हैं। अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 694 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चीन के पास 1564 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। दोस्तों, हम अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास अभी सिर्फ 17 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, मगर भारत और भी हेलीकॉप्टर्स को मंगाने वाला है। वहीं चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। दोस्तों, अगर हम दोनों देशों के कॉम्बैट टैंक की बात करें तो भारत के पास 4184 टैंक हैं, तो वहीं चीन के पास 13050 कॉम्बैट टैंक्स हैं। जबकि आर्मेड फाइटिंग व्हीकल की बात करें तो हमारे पास 2815 हैं, जबकि चीन के पास 40000 मौजूद हैं। दोस्तों, रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो भारत के पास 266 रॉकेट लॉन्चर प्रोजेक्टर हैं, तो वहीं चीन के पास 2050 रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की तो भारत और चीन दोनों के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ एयरक्राफ्ट ले जाते हैं जो खास जगह पर समुद्र के रास्ते जाते हैं और दुश्मनों पर हमला बोल देते हैं। चीन चाहता है कि साल 2030 तक वह एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 5 तक कर ले, जबकि भारत भी साल 2030 तक अपने एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ा लेगा। अगर हम फ्रिगेट्स की बात करें तो भारत के पास कुल 13 फ्रिगेट्स हैं, तो वहीं चीन के पास 52 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। दोस्तों, फ्रिगेट समुद्र में बहुत तेजी से लड़ने में काम आती हैं, या युद्ध के समय काफी काम की चीज होती हैं।
दोस्तों, समुद्र में दुश्मनों को धूल चटाने वाले डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो भारत के पास कुल 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहीं चीन के पास 33 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। अगर हम समुद्र में छुप छुप कर हमला करने वाले सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास 16 सबमरीन्स मौजूद हैं, जबकि चीन के पास 76 सबमरीन हैं। हम आपको यह भी बता दें कि दोनों देश भविष्य में और भी सबमरीन अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं, जिनको दोनों देश डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप साफ साफ देख सकते हैं कि चीन भारत से कई क्षेत्रों में काफी आगे है। वो इसलिए कि चीन अपने आप को एक विश्व शक्ति के रूप में तैयार कर रहा है, जबकि भारत अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए तैयारी करता रहा है। दोनों देशों के टकराने के चांस तो बहुत कम है, मगर फिर भी दोस्तों, अगर ये दोनों देश दुर्भाग्यवश कभी आमने सामने आ जाते हैं तो कौन देश किस पर भारी पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। अगर यही सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि भारत चीन पर भारी पड़ सकता है। भारत चीन पर भारी कैसे पड़ सकता है, अगर आपको यह जानना है तो आप इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दें, जो कि मुझे यकीन है आप कर देंगे। जैसे ही इस वीडियो में 10,000 लाइक्स पूरे होंगे, वैसे ही मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।